आज का ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है, लेकिन जानकारी बहुत ही बड़ी है। जो जानकारी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सबको पता होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में ऊर्जा के सिद्धांत की, यानी एनर्जी की, वो भी बिल्कुल साइंटिफिक वे में। तो चलिए समझते हैं कि हमारे इस भौतिक शरीर में ऊर्जा किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, जो भी भोजन करते हैं, हमारे शरीर में मौजूद अरबों तंतु अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यानी सिंपली हमारा शरीर एक फैक्ट्री की तरह है। हमने जो भी कुछ खाया पिया होता है, यानी हमारे शरीर रूपी फैक्ट्री में अरबों खरबों तंतु अपने काम में लग जाते हैं। जो भोजन हमने खाया होता है, उस भोजन में जितनी भी एनर्जी होती है वो शरीर को पहुंचा दी जाती है, और वेस्टेज जो होता है वो मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, और फिर वही ऊर्जा नींद में संग्रहित होती है। यानी जब आप सोते हो तो सोते समय आपके शरीर में वो ऊर्जा संग्रहित होती है आपके अगले दिन के कार्य के लिए। यानी आप फिजिकली जो भी एक्टिविटी करोगे उसके लिए आपको ऊर्जा तो चाहिए ही होती है। इसीलिए अच्छी नींद के बाद आपका शरीर फ्रेश और एक्टिव महसूस करता है, और अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये ऊर्जा जागती है, और आपकी धारणा से हमारे शरीर की ऊर्जा केंद्रित होती है। अब बात करते हैं अध्यात्म की। आज पूरी दुनिया ध्यान में डूबती जा रही है, ज्यादातर लोग मेडिटेशन करने लगे हैं। यह सब कुछ बिना वजह नहीं हो सकता। भारत में तो ये धार्मिक प्रथा मानी जाती है, लेकिन आज यूरोपियन कंट्री ध्यान में डूबती जा रही है। और इसका साइंटिफिक लॉजिक यह है कि ध्यान से यानी मेडिटेशन से हमारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है, हमारे मस्तिष्क की ओर जाती है, और भय यानी डर से यह ऊर्जा सिकुड़ती है। यह आप प्रैक्टिकल खुद भी करके देख सकते हैं। जब आपको डर लगता होगा तो आप नोटिस करना कि आप सिकुड़ने लगते हैं, आपके अंदर कोई चीज सिकुड़ने लगती है, कोई चीज छोटी होने लगती है, और इसका असर हमारे भौतिक शरीर पर भी दिखता है। डर में हम छोटी सी जगह में सिकुड़ना चाहते हैं, हम अकेले में अपने आप को छोटे से कमरे में बंद करना चाहते हैं, अंधेरा करना चाहते हैं, तो डर में यह ऊर्जा सिकुड़ती है। और काम वासना में ये ऊर्जा किस तरह से काम करती है? जब आप कामुक होते हो तो यही ऊर्जा नीचे की ओर आती है, आपके सेक्स सेंटर के जरिए बाहर निकलती है, और इसीलिए काम वासना के बाद आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। आपका शरीर पूरी तरह से थक जाता है, क्योंकि आपके शरीर में मौजूद बहुत ज्यादा मात्रा में ये ऊर्जा सेक्स सेंटर से बाहर निकल जाती है। और जब आप प्रेम में होते हैं, याद रखना यहां मैं काम वासना की बात नहीं कर रहा हूँ, यहां मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, एक फीलिंग की बात कर रहा हूँ, तो इस अवस्था में यह ऊर्जा विस्तृत होती है, फैलती है। जभी तो जब आप प्रेम वाली फीलिंग में होते हैं, प्यार वाली फीलिंग में होते हैं, तो आप खुला खुला महसूस करते हैं, आप चहकते हैं, आपके अंदर से कोई ऊर्जा बाहर की तरफ फैलती हुई महसूस होती है। अब बात करते हैं समाधि की। मेडिटेशन यानी ध्यान में जब समाधि वाली अवस्था आती है, तो ऐसे में हमारे शरीर की एनर्जी यानी ऊर्जा किस तरह से काम करती है? समाधि वाली अवस्था में हमारे शरीर की ऊर्जा विराट के साथ एक हो जाती है, यानी हमारे शरीर की ऊर्जा या कहें आत्मा इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि ना तो आत्मा मरती है और ना जन्मती है। जो मर सकता है, जो मरा ही हुआ है, वही मरता है। हमारे शरीर में मौजूद आत्मा यानी एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ विलीन हो जाती है। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही छोटा था, लेकिन जानकारी बहुत ही बड़ी थी। इस जानकारी में पूरे भगवत गीता का सार है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आपके लाइक्स बताएंगे कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।